आय के मामले में प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली धनी नगर पालिका परिषद धनपुरी में गहमा गहमी के बीच 125 अरब से अधिक का आय व्यय का बजट पेश हुआ। करीब 125 घंटे तक वर्ष 2024-25 का अनुमानित बजट का ब्यौरा पार्षदों के सामने रखा गया। शासन के विभिन्न योजनाओं और कोल रॉयल्टी से लगभग 125 अरब के कार्यों पर गुरुवार को परिषद ने अंतिम मोहर लगाई। वॉटर पार्क, आधुनिक विद्यालय और क्लब हाउस पूर्व में बने इंडोर स्टेडियम की तरह धनपुरी के इतिहास में मील का पत्थर साबित होंगे। नगरपालिका के एक ही वार्ड में सबसे अधिक विकास कार्य कराए जाने को लेकर कुछ पार्षदों ने आपत्ति जताई। शहडोल जिले के नगरपालिका परिषद धनपुरी में गहमा गहमी के बीच 125 अरब से अधिक का आय व्यय का बजट पेश हुआ, जिसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रभात बरकड़े के द्वारा वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट पेश किया गया। बरकड़े ने बताया कि 1,24,64,918 रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसमें परिषद 15,828 रुपए का फायदा बताया गया है। जनप्रतिनिधियों को जो मुद्दे हैं, जो जनता के द्वारा उन्हें प्राप्त होते हैं, वही मुद्दे परिषद में रखे जाते हैं। और आज का जो बैठक थी परिषद की, उसका मुख्य विषय बजट था। आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्ताव हमने रखा गया था और जो सभी परिषद की सहमति से पास हुआ, जिसमें हमारा बजट 1,24,64,918 रुपए का था। इसमें हमने 15,828 रुपए का हम परिषद को फायदा हुआ इस वित्तीय बजट में, यह हमने अनुमान लगाया। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की ये रिपोर्ट।